हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल में। मेरे चैनल में आपको स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा वीडियो पार्ट थ्री जो कि शहरी प्लस इमेजेस का जो वेबसाइट है उनके लिए कीवर्ड्स में आपको बता रहा हूँ। सॉरी दोस्तों, मैं बोलने में थोड़ा सा हिचकिचा जाता हूँ, इसके लिए आप सभी को माफ़ी मांगता हूँ। तो दोस्तों चलिए मैं आपको आज का कीवर्ड्स बता देता हूँ। कीवर्ड्स बताने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड कलर का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो सभी का भी हेल्प मिल सके। तो दोस्तों मैंने एक कोर्स डेवलप किया है जो कि कीवर्ड रिसर्चिंग के ऊपर है और SEO के ऊपर है। तो अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए और नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए। अगर आप किसी भी तरह का टूल्स होस्टिंग वगैरह बाय करना चाहते हैं, चीप रेट में डोमेन बाय करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, बहुत ही चीप रेट में आपको डोमेन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा मेन जो पहला कीवर्ड्स होने वाला है फ्रेंडशिप डे क्वार्ट्स, यानी कि फ्रेंडशिप डे हाल फिलहाल में आने वाला है। कितना से नहीं जानता हूँ, एक मिनट देख लेते हैं कि फ्रेंडशिप डे क्या है। एक सेकंड रुकिएगा, फ्रेंडशिप डे क्वार्ट्स। उसके पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं CPC कितना है वो देख लीजिए। इसका सर्च वॉल्यूम आप देख सकते हैं, CPC और सर्च वॉल्यूम देख सकते हैं यहाँ पे आप। लेकिन यह ऐसा कीवर्ड्स हुआ जो सीजन के अनुसार ही सिर्फ सर्च होता है, जो कि यहाँ पे आप ग्राफ में भी देख सकते हैं, या सीजन के अनुसार ही सर्च होता है। तो अगर आप लोग फ्रेंडशिप डे से कुछ दिन पहले ही अगर इस पे वर्क करने लगते हैं तो यह डेफिनेटली फर्स्ट पेज पे रैंक कर जाएगा। क्योंकि अगर आप लोग चाहिएगा कि आज ही फ्रेंडशिप डे कल है और आज आर्टिकल लेकर रैंक करवा देता है, इम्पॉसिबल है, ऐसा कभी नहीं होता है। वो सिर्फ रैंक करेगा जिसका DAPA हाई है। तो आप लोग का भी DAPA अगर है तो आप लोग भी ऐसे कीजिएगा तो रैंक कर जाएगा, ऐसे कोई बात नहीं है। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट कीवर्ड्स होने वाली है वह फ्रेंडशिप डे। एक सेकंड दोस्तों, सॉरी दोस्तों, दो बार एक कीवर्ड्स आ गया। आज का जो हमारा अगला कीवर्ड्स है वह है इमेज वेबसाइट के लिए, और इसमें आप ये भी कीवर्ड्स ई गुड मॉर्निंग वॉलपेपर, या आप शहरी वेबसाइट के लिए भी यूज कर सकते हैं और वहाँ पे इमेज लगा सकते हैं तो आपको काम चल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मीडियम में है, यहाँ पे आप थोड़ा सा ज़्यादा बैकलिंक आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं CPC काफ़ी हाई है, और यहाँ पे देख सकते हैं, यह आपको इंडिया के लिए बता रहा हूँ, और इसी वीडियो में आपको यूनाइटेड स्टेट नहीं आउट ऑफ कंट्री का भी बताऊँगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से वेबसाइटें रैंक है, आप लोग देख लीजिए। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करते हुए, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये सब LSI कीवर्ड के अंतर्गत आते हैं। आप लोग इनका जो ये सब कीवर्ड को भी देख सकते हैं, गुड मॉर्निंग इमेजेस, गुड मॉर्निंग क्वार्ट्स, ये सब का सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है तो इनका डिफ़िकल्टी भी ज़्यादा होगा। तो मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, सॉरी मैं आप दिखा नहीं सकता हूँ, मेरा लिमिट ख़त्म हो गया आज का SEO2 लड्डा से, क्योंकि SEO2 लड्डा में लिमिट होता है। तो मेरा पास दो अकाउंट है तो उससे भी बनाता हूँ, तो इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट से लॉगिन है। तो चलिए मैं अगला कीवर्ड्स आपको बताता हूँ। इस कीवर्ड पे आप लोग वर्क कीजिए, अच्छा से वर्क कीजिए। तो आपको यहाँ पे जिनके पास RF प्रूफ वगैरह नहीं है, बाय नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये सब कीवर्ड बता रहा हूँ। और जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आज का हमारा नेक्स्ट कीवर्ड जो होने वाली है वह है YFDP, यानी कि जो कि YFDP है यह कभी नहीं रुकता है। यहाँ पे ग्राफ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कैसे कैसे आप रैंक करवा सकते हैं YFDP वीडियो DP। यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा दूसरा कीवर्ड्स भी आ गया, आप लोग देख सकते हैं, नहीं दिखा सकता हूँ ये सब कीवर्ड्स, नीचे नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पे आप यहाँ पे YFDP इस कीवर्ड पे भी आप रैंक कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस पे दिखा देता हूँ कौन कौन से वेबसाइटें रैंक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पिंटरेस्ट वगैरह रैंक है, बैकलिंक 0 है। आप इस पर भी रैंक कर सकते हैं आराम से इस कीवर्ड पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है वह है थोड़ा सा मीडियम, थोड़ा सा मैं कम सर्च वॉल्यूम को दिखा रहा हूँ लेकिन मीडियम है। लेकिन इसका CPC आप देख सकते हैं यहाँ पे CPC आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा है, $4 है। लेकिन यह आप इंडिया का कीवर्ड्स नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट का कीवर्ड्स है, और यहाँ पे आपको इंडिया में 42 के सर्च वॉल्यूम है यहाँ पे। तो इसको मैं अगली वीडियो में कवर कर दूँगा, क्योंकि इस पर अभी लॉगिन नहीं कर सकता, वीडियो लंबा हो जाएगा।
तो क्योंकि यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो मेरा लिमिट ख़त्म हो गया, बताएगा नहीं। तो आप देख सकते हैं ये सब कीवर्ड्स पर भी रैंक करवा सकते हैं आप LSI का यूज करके। यहाँ पे देख सकते हैं बैकलिंक कितना कम में आप यहाँ पे रैंक कर सकते हैं, बहुत ही आसान है रैंक करना। शहरी वेबसाइट जिनका है वह माला माल हो गए होंगे अगर आप अच्छी खासी SEO करते होंगे तो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कीवर्ड पे आप रैंक कर सकते हैं आसानी से। और मेरे हिसाब से गुड मॉर्निंग विशेष इंडिया में बहुत ही कम ही होगा इसका। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो एक मिनट में टारगेटेड ऊबर सजेस्ट पर देख लेता हूँ कि यह कितना इस पे है, क्योंकि एक सेकेंड वहाँ पे मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन उस पे आपको दिखा देता हूँ तो आपको अंदाज़ा एक लग जाएगा। तो इंडिया सेलेक्ट करते हैं या फ्री टूल, सॉरी पहले फ्री था अब पेड हो गया है यह टूल। और ये भी अच्छी खासी रैंकिंग दिखाता है, लेकिन मुझे RF पसंद है इसलिए मैं HRF पे ही जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तब तक के लिए मैं इधर, आप लोग एक बार ओवरव्यू देख लीजिए, जब तक सर्च होता है तब तक आप लोग ओवरव्यू देख लीजिए कीवर्ड्स का। फर्स्ट कीवर्ड फ्रेंडशिप क्वार्ट्स, दूसरा कीवर्ड गुड मॉर्निंग वॉलपेपर्स, तीसरा कीवर्ड YBDP, चौथा कीवर्ड जो हमारा है गुड मॉर्निंग विषय जो अभी सर्च हो रहा है। मेरा नेट स्लो है थोड़ा, आप लोग देख सकते हैं। तो एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पे इंडिया में, हाँ तो देख सकते हैं इंडिया में ट्रैफिक स्पीड तो हाई बता रहा है, वहाँ पे कम बता रहा है। यहाँ पे ट्रैफिक देखिए 42K और यहाँ पे थोड़ा कम बता रहा है, तो इसीलिए मैं इस पर ट्रस्ट उतना नहीं करता हूँ, लेकिन HRF पे ट्रस्ट करता हूँ। फिर भी आप इसके अनुसार जब है तो यहाँ पे ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये आपको यहाँ पे देख सकते हैं डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा बता रहा है, तो आप लोग समझ लीजिएगा उसके बाद ही इस पर काम वर्क स्टार्ट कीजिएगा। तो आज का हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है वह है फनी स्टेटस, यानी कि कोई भी लोग स्टेटस में फनी चीज़ लगाना चाहते हैं या यूनाइटेड स्टेट का ही कीवर्ड्स है। और इसमें आप CPC बहुत ही अच्छा आपको मिल रहा है और इसका सर्च वॉल्यूम में इतना है, लेकिन इसका क्लिक भी जितना है उतना क्लिक भी है और CPC बहुत ही अच्छा। यहाँ पे देखिए अभी ग्राफ बढ़ रहा है, तो आप इस पर वर्क कर सकते हैं आसानी से, वर्क कर सकते हैं LSI कीवर्ड्स ये सब देखिए यूज कीजिए तो आपका वेबसाइट रैंक कर जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा यह कीवर्ड आपको इंग्लिश में होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे रैंक कर सकते हैं, और अन्यथा नहीं रैंक कर सकते हैं, क्योंकि यह कीवर्ड्स आपको यूनाइटेड स्टेट का बताया हो तभी आप यहाँ पे रैंक कर सकते हैं। तो तब तक और यहाँ पे देख लीजिए यह सब कीवर्ड्स, आप लोग ओवरव्यू एक बार देख लीजिए। यहाँ पे आपको बताना बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, देख लीजिए यहाँ पे। अगर आप बिना CPC वाले कीवर्ड्स पे वर्क करेंगे तो बहुत जल्दी रैंक कर जाइएगा अगर न्यू वेबसाइट है तो। तो मैं कहता हूँ बिना CPC वाले पर भी रैंक करके देखिए, उसके बाद ही अच्छा होगा आपके लिए भी। तो दोस्तों बस आज के वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं इसका 20 पार्ट्स बनाऊंगा शायरी वेबसाइट का, अभी तो 4 ही हुआ है इस वीडियो को मिलाकर, तो हमें सपोर्ट करते रहें इसी तरह। चलिए धन्यवाद, बाय, गुड नाइट।